दोस्तों, मैं राहुल आज आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा मारुति सुजुकी की नई इर्टिगा, जैसे कि वो पहले ही बहुत मतलब 3 या 4 मंथ्स हो चुके हैं, वो इंडोनेशिया में पहले ही लॉन्च हो चुकी है, अब दिल्ली में भी कुछ दिनों में लॉन्च होने वाली है। तो आज हम उसके इर्टिगा के प्राइस और कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, इर्टिगा ज़्यादा सक्सेसिव कार नहीं रही है, क्योंकि ये इसमें है तो ये 6 सीटर, पर इसमें इंजन कम दे रखा है मारुति ने, जैसे कि आपको पता ही है 1.6। और अब मारुति ने इसमें कई बेहतरीन लुक में इसे लॉन्च करने की सोची है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं इसके मतलब इनोवा क्रिस्टा जैसी लुक देने की कोशिश करी है, आगे फ्रंट से भी और कुछ बैक से भी। और अब देखते हैं दिल्ली में क्रिस्टा के साथ इसकी क्या टक्कर रहेगी। दोस्तों, हम बात करते हैं इसके पहले प्राइस की। तो इसके जो इंडियन प्राइस रहेंगे वो 6.5 लाख से लेके 10.5 लाख तक चले जाएंगे। ये अभी कुछ मारुति ने कंफर्म नहीं करा है, ये अभी एक्सपेक्टेड प्राइस माने जा रहे हैं। और ये लॉन्च डेट जो है इसकी वो अगस्त है 2018 में मारुति सुजुकी अपनी इर्टिगा लॉन्च कर देगी। और अब कुछ इसके वेरिएंट्स और इंजन की और पावर की बात करें, तो इसमें आपको 1.4 लीटर का के सीरीज इंजन मिलेगा, जिसमें आपको 91 BHP की पावर, 130 Nm की टॉर्क मिलेगी। और ये 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। और अब देखते हैं, अब मारुति इसमें ऑटोमेटिक वेरिएंट निकालती है इर्टिगा में या नहीं। और डीजल में आपको 1.3 लीटर DDIS इंजन मिलेगा, और 88 BHP की पावर, 200 Nm का टॉर्क और 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इंजन तो इसका जो मैं 1.6 कह रहा था, तो उसमें तो 1.6 भी नहीं आ रहा, अब तो 1.4 ही दिखा रहे हैं, कि जो नया आएगा उसमें तो 1.4 लीटर का जो आपको इंजन है वो पेट्रोल वेरिएंट मिलेगा, और 1.3 का डीजल में। तो मतलब तो लगता नहीं है, मतलब इंजन में पावर है नहीं, और उसमें जो पैसेंजर्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो गाड़ी में लोड ज़्यादा हो जाएगा, और इतना उसके हिसाब से इंजन है नहीं। और माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट की 21 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज निकलती है, और डीजल की 27 किलोमीटर पर लीटर की निकलेगी नई इर्टिगा की। और अब बात करते हैं इसके कुछ वेरिएंट्स की। तो इसमें आपको 4 वेरिएंट्स मिलेंगे, जैसे कि LXi, VXi, ZXi, ZXi Plus, और आपको मैंने प्राइजेस इसके बता ही दिए हैं। और अब इसके फीचर्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे, LED डे टाइम रनिंग लाइट्स मिलेंगे, जो कि इर्टिगा पिछली वाली इर्टिगा में नहीं थे, और इस नई इर्टिगा में आपको मिलेंगे। LED टेल लैम्प्स मिलेंगे, स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल OVRMs दोस्तों आपके साइड मिरर्स होते हैं, जो मतलब इर्टिगा में अब इलेक्ट्रिकली मतलब बटन से ही खुद खुल जाएंगे और खुद बंद हो जाएंगे। और आपको टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग मिलेगा, उसमें मतलब आप आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो। और रूफ माउंटेड एयर वेंट्स मिलेंगे, मतलब आपको इसकी छत पे भी अब मारुति AC देगी मतलब। और इसमें आपको वही डुअल एयर बैग्स, ABS मिलेगा, जिसकी फुल फॉर्म होती है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, EBD इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, और आइसोफिक्स चिल्ड चाइल्ड सेफ्टी के साथ होगी। अब देखते हैं दोस्तों कब लॉन्च होगी। और दोस्तों आप भी बताओ को कैसी लगती है इर्टिगा। जैसे मेरे को पहले वाली इर्टिगा तो अच्छी नहीं लगती थी, पर इस नई लुक को देख के मेरे को ये भी इर्टिगा भी अच्छी लगने लगी है। और दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस इर्टिगा से रिलेटेड, तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं, मैं उसको ज़रूर आंसर दूंगा। और आप भी अपने कुछ व्यूज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं यूट्यूब पे। और दोस्तों, मेरी वीडियो के नीचे एक लाइक बटन होगा और एक सब्सक्राइब बटन होगा, दोनों पे ही क्लिक कर दीजिए। और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दिए, एक बेल आइकन आएगा उस पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मेरी वीडियो की मिलती रहेगी कि मैंने कब वीडियो लगाई है, और मेरी वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए। देखते रहें राहुल व्लॉग्स।